How are you? Thank you, sir. देखिए क्या है ना, एक्चुअली बेसिकली आपने हाफ गर्लफ्रेंड तो देख ही लिया है, हाफ बॉयफ्रेंड में क्या हुआ, देखो लड़कियों के जमाने चल रहे हैं तो बॉयफ्रेंड हाफ ही बनाते हैं वो। कितना भी कोशिश कर लो, एक टाइम के बाद उनको किसी और के पास किसी और को बॉयफ्रेंड बनाना ही है। बट वेरी नाइसली दानिश एंड श्रेया सांग द सॉन्ग, इट्स कॉल्ड फ्रेंड जोन, जो अभी के यूथ में चल रहा है कि हाँ ठीक है कि फ्रेंड जोन में ही रहो और आगे कुछ सोचो मत, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेड, दैट्स आवर यूथ। सो वी आर, इट्स वेरी कैची एंड वी हैव लव्ड इट। गुड जॉब बाई दानिश, श्रेया, ऋतिक एंड अवर डायरेक्टर अक्षय। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, दोज हैव पुल्ड इट ऑफ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। वी वर सपोज टू रिलीज द सॉन्ग टुडे ओनली, बट जस्ट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मेजर ऑडियंस कमिंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो, वी वॉन्ट देम ऑल्सो टू वॉच इट। सो दे गोइंग टू वॉच इट ओनली आफ्टर 30 days, सो वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट इन द मंथ ऑफ जून 6th or 7th, जस्ट अ मैटर ऑफ 30 days। Come Ritik, shoot. Hi guys, this is me, Ritik Chauhan here, and Danish Bia और मैंने दोनों ने मिलकर music बनाया है। Music बहुत अलग है, unique है और बहुत ही catchy song है। He's very shy. He's better. Danish will continue. So that young director. Youngest director. We consider you as the youngest composer. Definitely. Yeah, he is. First, I was the youngest music director. He is the youngest composer and the youngest guy in the lot also in the whole place. The handsome and the youngest music director in film industry. So guys, yeah. Yeah, sure, please. Yeah. So, first of all, yeah. Hi, what's up India, this is me, Danish Alfaz and Shriya Jain Ao. So, Abhi, guys, today we are launching our poster of Half Girlfriend, Hashtag Friendzone. Yes. Half Girlfriend. Koi nahi. Actually, it's more known to the girlfriends. Censor kar dena usko. So, finally, Half Boyfriend and Hashtag Friendzone. अभी हम लोग क्यों नहीं कर पाए रिलीज वीडियो, बिकॉज ऑफ रमज़ान, तो बिकॉज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, एंटरटेनमेंट हम लोगों में मुस्लिम कम्युनिटी में बंद हो जाता है, तो दैट्स वाई आफ्टर 1 month वी गोना रिलीज इट। तो उससे पहले मैं कुछ लाइंस डेडिकेट कर देता हूँ आप लोगों को। ये एक रैप सॉन्ग है, बीच में रैप है, मेलोडी है, पैपी नंबर है, जिसको बहुत ही अच्छा श्रेया ने और मैंने गाया है, आप लोग भी बता देंगे सुन के। बाकी म्यूज़िक ऋतिक ने और मैंने साथ में किया है, तो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, उसके कुछ एक रैप में सुना देता हूँ। बस एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब काम हो कोई तो तेरे मुंह पे नाम मेरा क्यों आता है, ना मैं तेरा बीएफ हूँ ना तेरा हबी, पर तेरे सिवा हुस्न में कोई देखता नहीं, तुझे पता है कि तेरे घर के पास वाली भाभी कहती है मुझे चाय पीने आओ ना कभी। पक्का पक्का भाभी चाय पीने जरूर आएंगी। यस जरूर। सो हाफ बॉयफ्रेंड में पहली बात ये सॉन्ग
जब मुझे दानिश ने सुनाया और मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उन बॉयफ्रेंड्स के बारे में ही सोच रही थी जिसको सच में हाफ बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट किया है हमने, मतलब बैग्स उठा लो, ये उठा लो, लेकिन भाई बॉयफ्रेंड मत बनो. तो मैं लिटरली क्या गुजर रही है उन पे. आई एम श्रेया, तुम लाइव हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड सुन भी रहा है. गाने का नाम है हाफ बॉयफ्रेंड एंड वी गाइज आर रियली एक्साइटेड. तो मैं भी दो लाइंस गाऊंगी और सो या लाइंस आर लाइक दिस. थोड़ा सब्र रख तुझको ना परेशान करूंगी, धीरे धीरे ही तो मैं तेरा ही नाम बनूंगी. ऐसी बातें ना कर तुझको ना बदनाम करूंगी, तेरे प्यार की नदी में मैं स्नान करूंगी. यार बाकी लाइंस आपको बाकी लाइंस वीडियो देखनी पड़ेगी. एंड लास्ट में एक जो सबसे अहम हिस्सा जो गाने का सबसे मेन, जिन्होंने मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक उसमें मेहनत की है, जो सबसे प्यारा और सबसे खास हमारा अक्षय के अग्रवाल हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग से लेके. ललित सर ने हमें शुरू से एंड तक सपोर्ट किया है, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा आगे भी. मुझे लगता है कि वो शायद बूढ़े होने तक अभी तो जवान है, अभी तो बूढ़ा हो चुका है, ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है, हम यंग हैं, हम तो बूढ़ा होने तक रहेंगे. ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहे मैं, और हम भी इनके साथ हमेशा रहेंगे, और आगे हमारे अलग जो न्यू प्रोजेक्ट से बहुत आने वाले बहुत सारे हैं. डेफिनेटली सो हमने एक कुछ अलग प्लान किया था कि बता सकते हो ना. हां ओके, सो हमने एक ऐसा हमने जोन बनाया था कि जहाँ सारे ही फ्रेंड जोन है, ठीक है, सब एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर सबका बैड लक है और एवरी पर्सन एवरी बॉय बेसिकली इज फ्रेंड जोन. सो वहाँ सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, गलत मतलब सब कुछ ही वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, सब फ्रेंड जोन है, सबके सब मतलब प्यार के मारे चल रहे हैं, पूरा प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो वही चीज़ हमें दिखाने का. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी तक किसी म्यूजिक वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया है. yes. किसी भी गाने में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया जो हमने क्रिएट किया है. इट took lots of effort and time. बहुत ज़्यादा टाइम में ये हमने कंप्लीट किया है. बहुत ज़्यादा टाइम में हमने कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि हमने बहुत चीज़ों को बाद में चेंज किया करते गए जब तक वो बेस्ट नहीं बना. ज़्यादा मेरे को लगता है ज़्यादातर दानिश की एंट्री में मेहनत ज़्यादा हुआ है. कुछ अलग मेरी बहुत अलग एंट्री है, बहुत ही अलग. वो भी अभी तक किसी म्यूजिक वीडियो में नहीं आई है. एक्चुअली किसी म्यूजिक स्टोरी भी नहीं. So first of all, he is not my friend, guys, he is my family. Family. My brother. So finally he is here. I'm so happy.
बाकी आप क्या हैंड ओवर करते हैं? एंड बाकी ये सॉन्ग के लिए तो मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था, क्योंकि ये सॉन्ग में ना हम लोग के फील के लोग हैं, एंड भाई के हमेशा हर गाने तो अच्छे ही रहते हैं, एंड ये गाना कुछ और हटके था, मैंने पहले देख लिया है लेकिन अभी पोस्टर लॉन्च में, एंड अल्लाह ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस ब्रो, कीप रॉकिंग ऑलवेज एंड मचाते रहेंगे यार। ग्रेट, सो हाउ इज द प्लेस? प्लेस सुपर ऑसम, सिंस इट इज, आई हैव बीन हियर। The ambience over, it's like a chill place to hang out with friends. So guys, you need to come here and check out this place, yeah? Myself, Soumya Dhankar, and we are here for the song poster launch. So we are super excited for this song. And जैसे कि दानिश जी उनके song सुने ही होंगे, बहुत super hit होते, तो ये भी बहुत super hit होगा. Of course, we are excited for the song. And पहले से ही सुनते आए दानिश भाई के song, so this would also rock. This song will also rock. Hey, so what's up everybody, this is Reshar. So guys, मैं तो actually दानिश भाई का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि दानिश भाई अपने भाई है एंड हम उनके दूसरे गाने में आने वाले, तो स्टे ट्यून्ड एंड ये वाला गाना बहुत बॉम्ब होने वाला, सो पूरा देखो, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना. तो यू ऑल लव यू ऑन, ओके, थैंक यू.